नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टूल को कैसे साफ करें इस टॉपिक पे बात करेंगे। मीन्स जब टूल्स पे जंग लग जाती है तो उसको हम कैसे साफ करें। जैसे कि मेरे पास ये कुछ नाइफ है जो मैं कटिंग के दौरान यूज़ करता हूं। इन पे काफ़ी जंग लग गया है और ये जंग इसलिए लग जाता है बिकॉज हम यूज़ करने के बाद उसको क्लीन करने के बजाय ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उन पे जो वेटनेस होती है उसकी वजह से जब हवा के संपर्क में वो आता है तो इस पे जंग लग जाता है। ये देखिए दोनों मेरे नाइफ है, इस पे तो बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे क्लीन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों हम विनीगर यूज़ करेंगे। ये देखिए विनीगर, ये वाइट विनीगर है, एक ब्लैक आता है वो नहीं लेना हमको, ये जो सफ़ेद रंग का है ये लेना है। और दोस्तों तो ये विनीगर हम इस ग्लास में डाल लेंगे। दोस्तों मैंने इसको ऑफ कर लिया है बिकॉज मैं इसको आधा क्लीन करूँगा और आधा ऐसे रखेंगे ताकि पता लगे ये पहले कैसे था और बाद में कैसा हुआ है। ओके दोस्तों, तो अब हम इस नाइफ को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। ओके दोस्तों, जैसे ही हम विनेगर के अंदर इसको डालेंगे विनेगर अपना काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों इसको 3 से 4 घंटे हम ऐसे रखेंगे और 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये क्लीन हुआ या नहीं हुआ। ओके दोस्तों, मैं इसको 3 से 4 घंटे बाद चेक करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे क्लीन करता है इसको। ओके दोस्तों, तो इस नाइफ को इसमें रखे हुए मेरे को 2.5 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसके अंदर ग्लास के अंदर देखिए जो इसका जंग है वो टूट के गिरने लगा है। तो अब मैं इसको क्लीन करके देखता हूँ। तो इसके लिए हम इसको कपड़े से हल्के से साफ करेंगे। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो विनीगर ने अपना काम कर दिया है, जो हिस्सा इसका विनीगर के अंदर था वो साफ हो चुका है और मैंने इसको थोड़ा जल्दी निकाल लिया। मुझे अभी सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं, मैंने इसको निकाल लिया है। तो आप 3 से 4 घंटे इसको अपने टूल को विनीगर के अंदर रहने दीजिए, उसके बाद क्लीन कीजिए। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो उसके बाद आप 1 या 2 घंटे इसको जो बेकिंग पाउडर होता है वो पानी के अंदर घोल लें ग्लास के अंदर और उसके अंदर डाल दें इसको, फिर उसके बाद क्लीन करें। लेकिन सिर्फ विनेगर से ये काफ़ी अच्छा साफ हो चुका है। देखिए एक बार इसको हम अच्छे पानी से और साफ करेंगे ताकि जो विनेगर है वो साफ हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे पानी से साफ कर लिया है। दोस्तों टूल को अच्छे पानी से साफ करने के बाद कपड़े से साफ करेंगे और फिर जो ऑयल होता है घर में कोई भी ऑयल हो वो इस पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके आप वेजिटेबल कोई भी ऑयल ले सकते हैं और इसको हम कपड़े की सहायता से इस पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, देखिए किस तरह से जो ये हिस्सा इसका इस साइड का है ये हमने विनीगर से साफ कर दिया है और ये हिस्सा पहले ऐसा था लेकिन विनीगर से साफ करने के बाद ऐसा हो गया। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम इसको इसके अंदर ना रखें। अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम तक विनीगर के अंदर रखता तो इसका जो ये मेटल है मीन्स जो नाइफ है हमारा ये कटना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको 3 से 4 घंटे इसके अंदर रखें और अपने टूल्स को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इसको ऑयल इस पे अप्लाई कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कीजिएगा। पहले आप किसी एक टूल पे ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे या अदर्स टूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। दोस्तों ये स्टील के जो टूल्स होते हैं उस पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, उसमें काफ़ी अच्छी चमक ला देता है। दोस्तों विनीगर के और भी काफ़ी फायदे हैं। विनीगर से हम जो पेस्ट कंट्रोल है वो बना सकते हैं और इसको एज ए फर्टिलाइजर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके तरीके अलग हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा।
तो आप विनीगर यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो विनीगर यूज कर रहा हूँ ये कोई स्पेशल विनीगर नहीं है, ये आप मार्केट में जाकर जो किराना स्टोर जो होता है उनके पास आपको मिल जाएगी ये बोतल। आप उनको बोल देना व्हाइट विनीगर की बोतल दे दें तो वो आपको व्हाइट विनीगर की बोतल दे देगा और उसका आप यूज कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इसने इसको ऐसे कैसे साफ कर दिया, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो अम्लता होती है मीन्स जो एसिड होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इस जंग को काट के क्लीन कर देता है। और इसी वजह से अगर हम इसको ज़्यादा टाइम विनीगर के अंदर रखेंगे तो एसिड क्या होगा, इस हमारी जो मेटल है मीन्स जो टूल हमारा लोहे का या स्टील का जैसा भी है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे उसको काटना स्टार्ट कर देगा। ये मैं कर चुका हूँ एक बार, मैंने अप्लाई करके देखा था। और दोस्तों एक और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने टूल्स को इसके अंदर से निकाल लिया और उसको क्लीन नहीं किया ऐसे रख दिया तो जो टूल है उसके ऊपर दोबारा से जंग लग जाएगा और वो वैसे ही दोबारा बन जाएगा, फिर उसको दोबारा से क्लीन करना होगा। इसलिए ये ध्यान है कि विनीगर से निकालते ही आप इसको पहले क्लीन करें, क्लीन करने के बाद अच्छे वाटर से क्लीन करें, अच्छे वाटर से क्लीन करने के बाद उस पर ऑयल से पॉलिश कर दें, यानी कि ऑयल अप्लाई करके फिर एक साफ कपड़े से उसको क्लीन कर दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टूल पे जो जंग है वो ना लगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब हम गार्डनिंग टूल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम हमारे पास सीजर है और हम सीजर को यूज़ करके आए हैं तो यूज़ करने से क्या होता है, जब ब्रांच से कट करते हैं उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है वो सीजर पे लग जाता है, हम उसको क्लीन नहीं करते ऐसे रख देंगे तो वो जो लिक्विड है उसकी वजह से उस पर जंग लग जाएगी और या फिर उस पर काले काले धब्बे बन सकते हैं जिससे कि जो टूल्स है वो ख़राब हो सकता है, वो हार्ड हो जाएगा, चलने में प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि टूल्स पे जंग लगने ना दें, उसको ख़राब होने ना दें, मीन्स यूज़ करने के बाद ही आप उसको अच्छे से क्लीन करें, एक साफ कपड़े से उसको क्लीन कर दें, हो सके तो पानी में कपड़े को डुबो कर जो लिक्विड उस पर लगा है पहले उसको क्लीन करें और फिर सूखे कपड़े से दोबारा उसको क्लीन करें। जब आपको लगे कि टूल्स बिल्कुल क्लियर है तब आप उसको रखें, कोई भी टूल गीला हो तब उसको गीला ना छोड़ें, उस पर जंग लग जाएगा, जैसे उस पर हवा लगेगी जंग पकड़ेगा। टूल्स को कभी भी गार्डन में बाहर ना छोड़ें, अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में ये ज़्यादा होता है बिकॉज सर्दी के टाइम में क्या होती है, जो ओस होती है ओस गिरती है सुबह, यानी कि पानी की हल्की हल्की फुहार सी गिरती रहती है मॉर्निंग टाइम में, जो कि हमारे लोहे के टूल्स पे या अदर टूल पे जब वो गिरती है और जब डे टाइम में उस पर हवा लगती है तो जंग पकड़ जाता है और टूल खराब होने लगता है। तो अपने टूल्स को आप क्लीन करके अंदर ही रखिए। ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।